कर्म भूमि है। पैसों के पेड़ लगे हैं जो हाथ बढ़ाया और तोड़ कर दे दिए। जो लड़का घर और घर की दुकान में दिलचस्पी नहीं लेता वो किस मुंह से पैसे मांग रहा है हमसे? जाओ जाकर मांगो अपने साथियों से, अपने लीडरों से। नैना मैं पेड़ ही पे जा रहा हूं। जाओ ना। बाबूजी आज बोर्ड की फीस भरने का आखिरी दिन है। इतने दिनों से मांगता आया हूं, 40 रुपयों के लिए मेरा एक साल निकल जाएगा। जो समय राजनीति में लगाते रहे हो वो अगर घर के काम धंधे में लगाते तो मांगने की नौबत ना आती। भैया अब क्या होगा? नाम कट जाएगा और क्या। इसे लेकर अपना काम चला लो भैया। लो ना भैया, सौतेली जरूर हूं लेकिन बहन तो लगती हूं मां। फिर ये बात मत करना। अरे तुम्हारे कारण ही तो इस नरक में टिका हुआ हूं। बस अरे मिया तुम यहां बैठे ताजी हवा खा रहे हो, वहां मास्टर जी बिगड़ रहे हैं। चलो अपनी फीस जमा करो। हाँ कालू दिखाओ काल आए हो। लाला जी जंजीर लाया हूं। लाला जी एक 5 रुपए और दीजिए तो। देखो कालू हाँ जो दिया सो दिया, अब और कहां से दूं? तुम भी जाने कहां से हल्की चीज उठा लाए हो। 4 रत्ती नहीं होगा इसका वजन, कुछ भारी माल लाओ। घाट पे एकादशी का स्नान होने वाला है और मैदान में नुमाइश लगेगी, बहुत भीड़ होगी, थोड़ी मेहनत करो समझे। बाबूजी चलो अब जाओ जाओ जाओ। क्या बात है बिट्टू? भाभी खाने के लिए बुला रही हैं। ठीक है तुम जाओ हम आते हैं। बाबूजी अब कहाँ है? हमें पैसे चाहिए। क्या करोगी पैसों का? भैया की फीस 40 रुपए बाद में देखेंगे, तुम जाओ अभी। हाँ राम खलावन। हाँ सेठ जी हमें तो ये पसंद नहीं आया, इसे तुड़वाकर नए ढंग नए फैशन का बनवाई। ये कुछ पुराने फैशन का नहीं लगता आपको? ठीक फरमा रही हैं आप, आजकल इस डिजाइन का चालन तो नहीं है लेकिन पैसे तो आप दे ही चुकी हैं। बहू जी एक आध बार आप पहन लेती तो। जाने दीजिए मैं बनवाई के और पैसे दे दूंगी, लेकिन ये नई डिजाइन बिल्कुल वैसे ही बनवाइएगा जैसे लाला धनीराम की बेटी के लिए बनवाए थे। जी बेफिक्र रहिए वैसे ही बना दूंगा। भैया भाभी भैया आ गए। कौशल्या नाश्ता लगा। जी जी भवानी। भैया ये लो भैया 20 रुपए फीस के लिए, बाकी का इंतजाम भी मैं कर दूंगी। कहां से लाइए बताओ, कहां से लाइए? बाबूजी से लिए होंगे, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए।
चरखा चलाया जा रहा है, फीस के पैसे कमा रहे हो सूत काट कर। मैं रुपयों के लिए चरखा नहीं चलाता। फिर वो काम करो लाला जिससे अपनी फीस और अपना खर्चा जुटा सको। मैं ये सूत आत्मशुद्धि के लिए काट रहा हूं, ये मेरा प्रायश्चित भी है और मेरे संयम की परीक्षा भी। मैं सारे झंझटों से मुक्त होना चाहता हूँ। कौन से झंझट है तुम्हारे, मैं भी तो सुनो। तुम्हें खाना कपड़ा दिया, स्कूल में भेजा, तुम्हारी शादी करवाई, सोचा इसी से आदमी बन जाओ। और आदमी बनाया तो इसीलिए कि आपकी तरह महाजनी का धंधा करूं, कर्ज दूं, ब्याज लूं, छल बल मुकदमा, सिर पुटवल करूं। ऐसे धन की मुझे कोई जरूरत नहीं। धन नहीं होगा तो खाओगे क्या लाला जी? जिसे सात फेरे के बाद लेकर आए हो उसे क्या खिलाओगे? लाला जी ये चौंचले छोड़ो, गरीबी कैसा कोड़ है हमसे पूछो। तुम मेहनत मजूरी करके कमाना चाहते हो ना, जानते हो आजकल मजूर कितना जुटा पाता है? हमसे पूछो ही सच। पाई पाई जोड़ कर माया जोड़ी है, गृहस्थी चलानी पड़ेगी तो आधे थाल का भाव मालूम हो जाएगा। गृहस्थी बसाने के लिए कौन मरा जा रहा था? बार बार मैंने शादी के लिए मना किया, आपके आगे नाक रख ली, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। शादी करा कर कौन सा अपराध किया तुम्हारा? अरे बड़े घर की बेटी है, पढ़ती लिखती है, अपनी माँ से पैसा मंगवाती है, न तुमसे पैसे के लिए लड़ती है न मेरे ही पैसे को छूती। अब और क्या चाहिए तुमको? बस आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, यही मेरी विनती है। तो खास तो भैया जी, बहुरानी तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही है, सवेरे से तुमने कुछ खाया नहीं, वो भी सुबह से भूखी बैठी है। जाओ जाओ, अरे जाओ जाकर उसके पास बैठो, वो खा नहीं जाएगी तुमको। इस तरह उससे कतराओ मत, खुश रखा करो उसको, वही करेगी तुम्हारी आत्मशुद्धि। जाओ ना, मति भ्रष्ट हो गई और कुछ नहीं। तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, आओ। अगर तुम पर इतना ही बोझ बन गई हूं तो मुझे माँ के घर क्यों नहीं भेज देते? अब आओ भी बैठो ना। लो खाओ। अब खाते क्यों नहीं? रोज नाश्ता करके जाते थे, सुना है आज वो भी नहीं किया। स्कूल से आते ही सीधे कोठरी में घुस जाते हो, फिर जलसे जुलूस में, रात को सूखे बासी खाकर सो जाते हो। पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने में शर्म आती है क्या? कभी सोचा भी है तुम्हारे भूखे रहने से मुझे भी भूखा रहना पड़ता है? लिखाई तो तुम करते हो, मैं चिट्ठी लिख रही थी लखनऊ माँ को। क्यों? खैर तो है। बहुत दिनों से बुला रही है ना, तो आओ। कैसे जाना होगा तुम ही बताओ, यहाँ बात बेबात पर महाभारत छिड़ जाता है। अच्छा बाबूजी से क्या बहस हो रही थी? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? सोचता हूं पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी काम धंधे में लग जाना चाहिए। मुझे नैना ने सब कुछ बताया। छी, कैसे पति हो तुम? मेरे पास 1000 रुपए हैं अपने, तुमने मुझे बताया तक नहीं। फीस के लिए मांगते तो क्या मैं मना करती? अच्छा तुम नैना से फीस की बात कर सके और मुझे चाचा के योग्य भी नहीं समझा? मैं बुरी ही सही, तुम्हारी दुश्मन तो नहीं? अभी बाबूजी ने तुम्हें जो खरी खोटी सुनाई उसे सुनकर मेरा तो रक्त खोल उठा।
40 रुपए के लिए इतना हंगामा? सुनो, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मुझसे मांग लिया करो। तुम्हें बुरा तो लगेगा लेकिन मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। ऐसे पढ़ने से ना पढ़ना ही अच्छा। मुझसे न सही, माँ से तो ले सकते हो, वो तो अपने को धन्य समझेगी। उनका तो अरमान ही रह गया कि तुम उनसे कुछ मांगते। माँ तो तुम्हें विलायत भेजने के लिए भी तैयार है, वहां से कोई अच्छी डिग्री ला सकते हो। न मुझे डिग्री पाने का इतना चाव है और ना ही विलायत जाने के लिए मरा ही जा रहा हूं, फिर क्यों ससुराल की रोटियां तोड़ू? अपनी कमाई से अगर आगे पढ़ सका तो पढ़ूंगा, नहीं तो किसी काम धंधे में लग जाऊंगा। अच्छा बाबा, नाश्ता तो कर लो, या इससे भी कोई बैर है तुम्हारा? अच्छा, आज शाम को भी तुम्हारी कोई मीटिंग होगी ही? हाँ है तो। अच्छा, अगर आज तुम मीटिंग में ना जाओ तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्या करना होगा? अगर तुम संग चलो तो मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ। तो तुम्हें रोकता कौन है? जाओ नैना या सिल्लो को लेकर। और तुम? मुझे सिनेमा देखने की फुर्सत नहीं है, और फिर जिस आदमी की अपनी कोई कमाई ना हो उसे सिनेमा देखने का अधिकार नहीं होता। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरे साथ आने में आपत्ति है और तुम मुझे अयाश और विलासिनी समझते हो, यही ना? मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं ये तुम रहने दो। मैं तुमसे सिर्फ इतना भर कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं रुपयों को खर्च करने का अधिकारी हूँ जिसे मैंने अपने खून पसीने से कमाए हो। अच्छा, मेरी एक बात तो मानोगे? कहो। आधे रास्ते मेरे साथ चलो, बाबूजी को अच्छा लगेगा कि तुम मेरे संग हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे भला क्या एतराज होगा? अच्छा एक बात बताओ, एक विलासिनी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठे अगर तुम्हें कोई देश सेवक देख ले तो तुम्हें विश्वासघाती तो नहीं कहेगा? मेरा मतलब कि मैं सोने से लदी, रेशम से ढकी, तुम्हारे खादी के कपड़ों पर दाग तो नहीं लगेगा? लाला, समरकांत की चहेती बहू ने अपने ससुर जी से और कुछ न सीखा हो। बातें सुनाना और निशाने पर चोट करना ये जरूर सीखा है।